हम अग्रणी न्यूज से हैं और हमारे सामने बैठे हुए हैं पूर्व मुखिया जी शाहबाजपुर पंचायत उमा शंकर बाबू, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आज जानना चाहेंगे कि रघुवंश बाबू के साथ इनका कैसा रिलेशन था और उनके मरने से आज जो हताहत हुई है उनके बारे में मुखिया जी बताएंगे। जी मुखिया जी बताइए। रघुवंश बाबू 1970 से हम राजनीति कर रहे हैं। हम लोग तो दो पार्टी में रहे हैं, गठबंधन में भी रहे हैं और दो पार्टी में रहने के बाद भी मेरा संबंध बड़ा ही मजबूत था। रघुवंश बाबू से बहुत मानते भी थे और इतना कि हमको रे कह के संबोधन करते थे कि रे उमा शंकर सुनो, हम भी कहते थे भाई जी ऐसे नहीं से, इतना हम लोगों का अपनापन था जी। और जब तक उनका राजनीति में एक बहुत ही अच्छा पहचान रहा है, ईमानदार छवि रही है उनकी, आज तक उन पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा जी। और राजद ऐसे पार्टी में रहने के बाद भी उन पर किसी तरह का लंछना नहीं लगा। आजकल जो मनुष्य का अपना आदत है उसमें बहुत से लोगों ने उनको ठगा जी और जान कर भी वो ठगाते रहे, लेकिन कभी किसी को अभी की जो स्थिति है, जो बदले की भावना, इस तरह की भावना रघुवंश बाबू में हमने कभी नहीं देखी। और उनके मरने से बिहार की जनता जिस पार्टी में रहे उस पार्टी की बहुत बड़ी क्षति हुई है जो कभी चुका नहीं जी। ऐसा कहा गया है कि अंतिम क्षण में उन्होंने अपना त्याग पत्र दिया, इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा को लालू जी मंजूर नहीं किए, तो अभी तो राजद में थे। इस्तीफा दिया उन्होंने, लेकिन वो अपने आत्मा से तो इस्तीफा कर दिया जी। राजद सुप्रीमो ने नहीं माना जी, लेकिन इसको तो माना जाएगा कि अंतिम इस्तीफा था, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई जी। तो डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, अंतिम समय का बयान जी। तो जो उन्होंने बयान दे दिया तो माना जाएगा कि हमारे नज़र में जी, माना जाएगा कि उन्होंने राजद से इस्तीफा दे दिया। आपका अपना पर्सनल कैसा रिलेशन था उनके साथ? बहुत अच्छा जी। दो पार्टी में रहते हुए, दूसरे के विरोधी रहते हुए भी हम लोगों का बड़ा अच्छा संबंध रहा। कभी हम लोगों में आपस में बूथ के लिए हम लोग दो जगह खड़ा होते, दो जगह में लगता है कि दोनों दिखे एकदम लड़ रहा है, लेकिन लड़ते नहीं थे हम लोग। और लोगों के नज़र में जो उसका अच्छा जो भाषण हो वो करता था, इन हम लोगों से बड़ा अच्छा संबंध था। खासतौर पर वो शारीरिक मेहनत बहुत करते थे, मृत्यु हो गई लेकिन एमती थे। कभी कभी हम दिल्ली जाते थे तो उनको सुबह में हम देखते थे कि हाफ गंजी और धोती को समेट के वो कुदारी से एक धूप जमे रोज तामते थे और स्वस्थ रहते थे। पता नहीं काल का क्या गति हुआ, उनकी मृत्यु हो गई, नहीं समझते थे कि अभी रहेंगे, क्योंकि सारी मेहनत कसरत बहुत करते थे। उनकी मृत्यु से हम भ्रांत हैं, बहुत तकलीफ है हम लोगों को। गुजरात के आदमी को घर से बाहर रख के अभी काल खाना चाहिए। वो जब ग्रामीण विकास मंत्री रहे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने क्षेत्र में सड़क बनाया। यह बात का बात है कि जिसने कोई काम नहीं किया उस व्यक्ति ने इनको हरा दिया जी। यह समझने की चीज़ एक चीज़ है कि जनता क्या है, लेकिन उन्होंने बहुत काम किया और ये अच्छे व्यक्तित्व के